फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोग सोच होंगे आज आयजा क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग आयजा पे डिपेंडेंट एक वीडियो बनाने जा रहे हैं हम। तो आज मैं आप लोग के लिए वापस से लाई हूँ एक क्राफ्ट। एंड आपने जैसे कि टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है होममेड स्टडी टेबल। तो ये मैं स्पेशली आयजा के लिए बनाने जा रही हूँ स्पेशली। सो ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, बस एक ओल्ड या नॉन यूजेबल स्टूल की ज़रूरत होगी। तो मेरे स्टोर रूम में रखा हुआ था ये नॉन यूजेबल, शिफ्टिंग में ऐसे उधर 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 पेंट के काम आता था कभी, तो मैंने वो ली है। एंड चेयर कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं आप। चेयर कहीं अगर आपको ज़रूरत है तो आप इससे हटा भी सकते हैं स्टडी टेबल से, और जब आई यूज़ स्टडी टेबल से तो आप उसे लगा भी सकते हैं। बट आपको एक ओल्ड स्टूल की ज़रूरत होगी, और अगर आपको एबल फाइंड नहीं हो रहा है स्टूल, दिस इज़ इम्पॉसिबल इफ़ इट इज़ हार्ड फॉर फाइंडिंग अ ओल्ड स्टूल। सो आप मुझे इस वीडियो में बस 40 लाइक्स ले आओ तो मैं आप लोगों को एक कार्डबोर्ड से स्टडी टेबल बनाना सिखाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, स्टडी टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सामान ले लिया है। ये ओल्ड स्टूल, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, वाइट कलर का बहुत पुराना स्टूल है गाइस, बहुत ज़्यादा पुराना। एंड दिस चेयर, सो चेयर हम लोग चेयर हमारे पास तो है, बट मुझे चेयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आयजा ही होती है। तो आयजा अगर चाहें तो जैसे ब्रशिंग के टाइम उनके लिए बेसिंग थोड़ी सी सिंग जो है वो हाई पड़ती है, ऊँची पड़ती है, तो आयजा चेयर रख लेते हैं। सो आयजा चेयर हटा भी सकते हैं, तब रख सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है इसे बनाना। बस स्टूल आपको फाइंड करना पड़ेगा घर से। और एक हमें चाहिए लेबल, ये लेबल मैंने शीट से बनाया है, आप चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं। एंड वट एवर यू लाइक टू डू, मैंने तो ये बनाया है। अगर आपके पास कोई ओल्ड क्लोथ है आप वो भी ले सकते हैं, उसे थोड़ा सा कट करके स्टूल के साथ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक लोगो जो मैंने अपने हाथ से बनाया है, एंड इस पर लिखा है माई स्टडी टेबल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टूल, कैमरा पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है। ओके, अब ये फोकस कर रहा है। हाँ, तो हमें चाहिए एक स्टूल, एंड स्टूल के ऊपर मैं ये जो लेबल, ये लेबल मैंने जो बनाया है उसे हम स्टिक कर लेंगे। आया था तो उसमें मैं टीवी देख लिया, आया था तो नहीं पता मैं क्या करूँ, इस लेबल को हम स्टिक कर लेंगे। तो मैं अभी ग्लू स्टिक ले रही हूँ, आप सुपर ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू, सुपर ग्लू, बट ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, पेपर है इसलिए ये स्टिक हो जाएगा ग्लू से। तो चलिए लाती हूँ मैं ग्लू। ओके गाइस, सो हियर आवर ग्लू, एंड अब हम इस ग्लू से इसको स्टिक कर लेंगे इस पेपर को, बहुत ईजीली स्टिक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को स्टिक कर देती हूँ। एंड गाइस, मैं टोटली 1 लाख आप लोगों से नहीं करवाऊँगी, ऐसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक एक चैलेंज से हम लोग चलते हैं, तो मज़ा भी आएगा और सब्सक्राइब भी मिलेगी, और आप लोगों की भी एंटरटेनिंग हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को, अभी हमारे कितने हैं, 56 है राइट, तो सबसे पहले आप लोगों को 80 करना है। 80 जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एक स्पेशल पर्सन से मिलाऊंगी,
मैंने एक वीडियो में उसका नाम बता भी रखा है, आप लोग गेस करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन है वो स्पेशल पर्सन। एंड मैं पहली बार उसको अपनी वीडियो में लाऊंगी, तो पहले आप 80 सब्सक्राइबर कर दो, फिर आप लोगों को करना होगा 100 सब्सक्राइबर्स में मैं आप लोगों को अपना हाउस टूर दिखाऊंगी। जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर करो, फिर मेरा हाउस देखो, तो जल्दी से कर लो। एंड ये मेरा स्टिक हो चुका है, मतलब वाइजर था, लोगों को स्टिक करके दिखाती हूँ। अभी इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। आप चाहो तो डक टेप से भी इसको स्टिक कर सकते हो, बट मेरे वहाँ कलर वाला डक टेप रखा था एंड ज़्यादातर वो लाइक जैसे थिंग्स स्टोर करने में काम आता है कि कर्टन में रख के डक टेप लगा के हम लोग रख देते हैं, तो मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ फिलहाल। एंड अगर यूज़ भी करती तो कलर जो उसका था वो दिखने लगता, बट मैं डबल साइड बना के भी कर सकती थी, बट वो पेपर जो है ना वो उठने लगता बार बार, इसलिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया। एंड गाइस मैंने अब फाइनली स्टूल पे पेपर अपना स्टिक कर लिया है, ये स्टिक हो चुका है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्लू मैंने चुका है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा वो कर रहा है, मतलब पेपर को लाइक पता चल रहा है कि ग्लू से चिपका हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पर कलर पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा शेडिंग दे देती हूँ, तो चलिए शेडिंग देख के आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने शेडिंग भी कर ली है और मैंने इसको थोड़ा गुड लुकिंग देने के लिए इस पर फोम पेपर चिपका दिया है। हाउ इज इट, तो ये तो हमारा हो गया। अब चलो हम इसे डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फोटो फ्रेम, इसकी आप सब देख सकते हैं एक फोटो फ्रेम, और अब हम इस फोटो फ्रेम को यहाँ पर सेट करके रख देंगे। तो इसके लिए ये मैंने कर लिया है सीधा स्टूल फ्रंट साइड में, और अब मैंने इस फोटो फ्रेम को स्टैंड कर लिया है। स्टैंड आउट, ओह माय गॉड, लाइक इसका वो हैंडल टूट गया था, तो इसकी जगह मैं आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मुझे ये भी स्टिक करना पड़ेगा, तो आफ्टर स्टिकिंग दिस मैं आप लोग इसके पीछे अब पेपर लगाया, तो मैं इसको आसानी से स्टिक कर सकती हूँ। तो देखो ऐसे स्टिक हो जाएगा क्या, तो चलिए अब हम इसे स्टिक कर लेते हैं। एंड मैं थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों को स्टिक करके तब दिखाऊंगी। एंड गाइस मैंने फोटो फ्रेम भी लगा लिया है, मैंने इसके पीछे थोड़ा सा डक टेप लगा दिया ताकि ये स्ट्रॉन्गली स्टिक रहे। एंड मैंने इसको खड़ा भी कर लिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं कैमरा को थोड़ी सी ऊपर कर लेती हूँ। यहाँ पर साइड में रखा रहेगा फोटो फ्रेम, और यहाँ पर मैं एक पेन पेंसिल होल्डर लाऊंगी, और मैंने वो होममेड बनाया था पेन पेंसिल होल्डर, तो मैं लेकर आती हूँ। एंड गाइस मैंने बना लिया है, मैंने हैंडमेड बनाया है ये पेन पेंसिल होल्डर, ये सब कुछ हैंडमेड है फोटो फ्रेम के अलावा। सो अब हमारी टेबल हो चुकी है कंप्लीट, तो आप चेयर का थोड़ा लुक देखते हैं। गाइस हमारी होममेड टेबल तैयार हो चुकी है, चढ़ा बस हमने टेबल ही को थोड़ा सा सजाया है एंड चेयर हमने ऐसे रख दी है। हाउ इज इट लुकिंग, इज इट लुकिंग नाइस? अभी आइज़ा से पूछेंगे, आइज़ा को ये कैसा लगा, देख रहे हैं गाइस बहुत अच्छा है। एंड इसमें आइज़ा अपनी स्टडीज़ कर सकती है,
जैसे कि आप सब देख सकते हैं बहुत मतलब कॉपी रखने की स्पेस है, एंड यहाँ पर आज अपने पेन पेंसिल इरेजर कलर्स सब कुछ रखेंगे। तो अब लाया सको, बट अभी ये जो रूम मैसी हुआ है उसको थोड़ा सा सही करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बतानी भूल गई, मैं आज की टेबल पर रहती हूँ वो नहीं है गाइज, हमने अपना एक स्मॉल छोटा सा ऑफिस बनाया है जिसमें मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस करूँगी, अपना होममेड मतलब यूट्यूब की मेरी एक बुकलेट भी है वो रखी होगी वहाँ, एंड मैं वहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस एडिट करती हूँ अपने छोटे से ऑफिस में, एंड अपना पीपीटी बनाती हूँ जो भी मैम ने वर्क दिया होता है वो करते हैं पढ़ाई। तो अब ये चेयर टेबल भी हमारे ऑफिस में ऐड होगी, एंड ये मैं आप लोगों को अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, तो डोंट फॉरगेट टू सी आवर शॉर्ट्स। सो टिल देन नो अभी नहीं, ये रूम जो मैसी हो रखा है इसको थोड़ा सा अच्छा करते तब आए जब बुलाते हैं। रेडी हो चुका है तो चलो आयजा को ब्लाइंड खोल करके लाते हैं। तो मैं आयजा को ब्लाइंड खोल करके लाती हूँ, सो वेट फॉर दैट। फ्रेंड्स आयजा आ चुकी है तो चलिए अब बुलाते हैं आयजा को। आयजा अब आप खड़ी हो सकती हैं। चलो हाँ चलिए चलिए चलिए, अब रुक जाइए, अब इधर आइए और आप करिए हेलो। पता है किससे हेलो कर रही हो? आप हेलो हना से? नहीं, आप अब्बा से हेलो कर रही हो। और चलो 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 और अपनी आईज खोल लो। हाय गाइस, गायत्री की मेरी प्लीज ये आईजा दुपट्टा है। ओ अच्छा, गायत्री की मेरा दुपट्टा। अच्छा चलो आईजा, ये क्या है पता है? स्टडी टेबल कैसा है? आप बैठिए। लेकिन आपको आप अपने मेरे फोटो फ्रेम आपको रखना चाहिए। बाबू आपकी फोटो फ्रेम आई है। कैसा है आज आपको कैसा लगा? इस पे आप अपनी पढ़ाई करना, ये फोटो फ्रेम है। और देखो मैंने आपके लिए यूनिकॉर्न पेंसिल केस भी बनाया है। नहीं आयजा, ये फोटो फ्रेम रखा हुआ था दरअसल। आयजा फिर आपकी कॉपी नहीं आ पाएगी ना, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इस पर पढ़ाई करेंगी? आप इस पे पढ़ाई करेंगी? How is it? So, लेकिन आपके पास क्योंकि आप एक हाँ ठीक है, मेरे ही ऑफिस में ये हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर बाय। बट इससे पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर।